हाय गाइस गुड आफ्टरनून मैं हूं आशीष सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब अपना चैनल टॉप टेन क्लासेस तो गाइस हम लोग पिछले कई वीडियोस को देखते आए हैं और आप लोगों का लगभग लगभग रिप्लाई भी ठीक ठाक रहा है आप लोगों ने इसे जिस तरह से देखा है शेयर किया है और लाइक किया है दैट वॉज रियली प्रेसवर दी बट गाइज जस्ट ट्राई टू एनालाइज इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट इन योर लाइफ देन देर इज़ नो नीड्स टू वीव्स एंड देर इज नोन इट टू शेयर आप लोग अगर विप्स कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं तो उसको यूज भी करना सीखिए बिकॉज दिस टाइट टू एनालाइज यू नो वी आर गोइंग टू फेस द डिफिकल्ट लाइफ दिस इज द लाइफ ऑफ इट इट्सिफिक एज ये एज जो है वो साइंस की एज है और साइंस के एज में साइंस की दुनिया में अगर आपको आगे चलना है तो जस्ट डू प्रैक्टिकल इच एंड एवरी मोमेंट्स हर मोमेंट अपने आप को प्रैक्टिकल में डालने की कोशिश करो बेहतर से बेहतर करो बेहतर से बेहतर करने का मतलब इफ यू विल डू बेटर डेफिनेटली यू विल बी ऑलवेज इक्वायर यू विल ऑलवेज एक्साइटेड फॉर द बेस्ट और बेस्ट के लिए जरूरी है कि जस्ट कीप कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ खुद पर इतना विश्वास रखो खुद पर इतने, खुद पर इतने एक, आ, कमांड रखो कि नो वन कैन टच यू चले हम लोगों ने जो भी कुछ अब तक पढ़ा है हम आपको ये बताते चलें कि उन चीजों को आप हमेशा प्रैक्टिकल में रखिएगा क्योंकि जब हमारा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल छूटता है तो हम फिर से क्वाइट ब्लैंक होना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे हम किसी भी काम का करना किसी काम नियम को बनाना तोड़ना शुरू करते हैं ना तो वो धीरे धीरे खाली होता चला जाता है तो ऑलवेज माइंड अबाउट दैट आपको एक छोटी सी कहानी बताएं लाइफ आपका चाहे जैसा भी हो चाहे जिस तरह के भी स्ट्रगल्स करो आप हमेशा याद रखो कि आपको किसी एक पर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि कोई आपको रोक ना सके बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड की स्टोरीज हैं आपको उसके बाद हम आपको ले चलेंगे आपके चैनल की तरफ एक बार एक बच्ची और उसके पिताजी एक रास्ते से गुजर रहे थे और अचानक में उन्हें बाढ़ का सामना करना पड़ा और जैसे ही बाढ़ आई तो पिताजी ने बच्ची से कहा कि बेटा मेरी उंगली पकड़ लो बेटा मेरी उंगली पकड़ लो ताकि किसी विषम परिस्थिति में मैं आपका साथ न छोड़ दूं तो बच्ची ने क्या जवाब दिया मालूम है बच्ची ने जवाब दिया कि पिताजी मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ूंगी बल्कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए पिताजी मुस्कुराए और पूछे ऐसा क्यों बोले इसलिए कि कोई भी परिस्थिति हो लाइफ का कोई भी पड़ाव हो, हो सकता है स्थिति परिस्थिति के अनुसार मैं आपका दामन छोड़ दूं लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने बच्चों का दामन कभी छोड़ने वाले नहीं है तो आपकी स्टडी भी आपका बिल्कुल आपके पिता की तरह ख्याल रखने वाली है गाइस अगर आप मेहनत करोगे आप मेहनत से पढ़ाई करोगे मेहनत से तैयारी करोगे तो दिट्स दिस इज अ चैलेंज नो वन कैन स्टॉप यूर नेवर इट विल लीव यू कोई भी आपको रोक नहीं सकता और आपकी पढ़ाई कभी आपका साथ छोड़ नहीं सकती कामयाबी को मिलने तक मिलने के बाद भी आपकी स्टडी आपका साथ देगी सो ऑलवेज so बिग साइड जस्ट लाइक अ क्लोज लाइक अ पेरेंट्स स्टडी के उस तरह से करीब हो जाइए जैसे हमारे साथ हमारे माँ बाप का साया बना हुआ, हुआ होता है वो कभी हमसे अलग नहीं हो रहा किसी भी परिस्थिति में माँ बाप हमें छोड़ने के बारे में सोच तक नहीं सकते हैं सोचिए तो छोड़ेंगे कैसे कंडीशन बिल्कुल सेम है अगर स्टडी से आप उसी तरह से क्लोज हो जाओ तो दैट विल बी फॉर यू इन योर लाइफ सो लेट्स गो ऑन अवर टॉपिक गाइज टूडे वी विल रीड शुड हैव हैव अप टू नाउ यू रीड शुड 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 एंड बी और बी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आज हम लोग पढ़ाई करेंगे किस चीज़ की शुड हैव है तो शुड हैव का मीन्स होता है, like है चाहिए था क्या होता है चाहिए था तो चाहिए था का मतलब क्या हो जाता है कि कोई काम पास्ट में हुआ है था का वर्ड मतलब पास्ट को एक्सप्रेस करता है तो हम लोग किस चीज़ की बातें करेंगे पास्ट की बात करेंगे तो जब पास्ट की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमें इसके कंडीशंस को जानना होगा कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रक्चर ओके फर्स्टली वी विल मेड स्ट्रक्चर एंड इन स्ट्रक्चर वी आर गेटिंग दैट पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव इट मींस सब्जेक्ट आफ्टर दैट शुड हैव देन वर्ब थर्ड ऑलवेज माइंड दैट गाइड इफ विथ एनी यूजेज वी आर यूजिंग हैब अगर किसी भी यूज के साथ में किस चीज़ का प्रयोग हो जा रहा हैब का हो जा रहा है तो विथआउट एनी हेजिटेशन वी हैव टू माइंड दैट मेन वर्ब मस्ट बी यूज देअर वहां पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगा तो वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी दिस इज द स्ट्रक्चर शो नाउ जस्ट कम टू द पॉइंट ऑफ एग्जाम्पल ठीक है आपको भरवा पराठा खाना चाहिए था ओके गाइस नाउ जस्ट माइंड अबाउट दैट आपको भरवा पराठा खाना चाहिए था तो किसको खाना है गाइस आपको खाना है तो आपकी इंग्लिश क्या हो जाती है यू हो जाती है क्या होती है यू एंड आफ्टर दैट चाहिए था चाहिए था का मतलब पास्ट के ऑप्शंस पे आ रहे हैं तो चाहिए तो शुड हैव यू शुड हैव करना क्या है खाना है खाने की इंग्लिश क्या होती है ईट एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ईट तो थर्ड फॉर्म क्या होगा ईटन यू शुड हैव ईटन क्या खाना चाहिए था भरवा पराठा भरवा पराठा की इंग्लिश क्या होती है स्टफ्ड पराठा ठीक है गाइस जैसे मां को बच्चों को नहीं पीटना चाहिए था नहीं पीटना चाहिए था माँ को बच्चों को नहीं पीटना चाहिए था गाइस तो किसको नहीं पीटना है माँ को तो माँ की इंग्लिश तो आपको पता ही है मदर एंड आफ्टर दैट देर इज अगेटिव वर्ड ये ध्यान दीजिए कि सेंटेंस निगेटिव का है तो कभी भी एक यूज में वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट यूजेज रूल्स टेंस तो इफ देयर वुड बी एक्सलरी मोर देन वन देन वी हैव टू यूज नॉट आफ्टर फर्स्ट एक्सलरी एंड देन नॉट आफ्टर दैट सेकेंड एक्सलरी तो यहां पर भी यूज में दो चीज़ें हैं शुड और हैव तो जब एक ही जगह पे दो चीजें होती हैं तो नॉट का यूज दोनों के बीच में करते हैं तो मदर शुड प्लस नॉट मदर शुड नॉट हैव मदर शुड नॉट हैव ठीक है मदर शुड नॉट हैव क्या करना चाहिए था भैया पीटना चाहिए था पीटने की इंग्लिश क्या होती है बीट बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है बीटेन मदर शुड नॉट हैव है किसको ऑफ चाइल्ड Now, क्या आपको धरने पर बैठना चाहिए था गाइस क्या आपको धरने पर बैठना चाहिए था तो क्या सबसे पहले आ गया क्या पहले आ गया तो सबसे पहले हमें यूज करना है शुड प्लस किसको बैठना है आपको बैठना है तो आपकी इंग्लिश क्या होती है यू शुड यू एंड आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट ऑफ ए यूज हैव शुड यू हैव करना क्या है बैठना है बैठने की इंग्लिश क्या होती है सीट सीट का थर्ड फॉर्म सेट ठीक है शुड यू हैव सेट कहां पर बैठना है शुड वी हैव सेट ऑन ऑन स्ट्राइक नेक्स्ट वन मोर पिताजी को आपको जेब खर्च देना चाहिए था पिताजी को आपको जेब खर्च देना चाहिए था तो किसको देना भैया फादर अब यहां पिताजी लिखा है तो ऐसा तो नहीं है कि हम फादर जी लिखेंगे नेवर माइंड अबाउट दैट थिंग्स कभी भी पिताजी के साथ जी आ जाए तो ऐसा नहीं कि फादर जी लिख दीजिएगा ओनली वी हैव टू राइट फादर तो फादर शुड हैव शुड हैव क्या करना है देना है देने की इंग्लिश क्या होती है गिव का थर्ड फॉर्म गिव Father should have given kya? pocket money. Pocket money to you. Okay, guys. I hope that you have got it all well. So, guys, always think of that. If you will be energetic, you will be eager to learn something. Definitely, I'll get you speak. Your concentration, your mind should be always on your screen, always on your

Goodbye. Take care, all of you.